हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। मैं सुनाती हूँ अपने सफर की कहानी, तो बने रहिए आप सब आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि सुना तो होगा आपने, असली मजा तो सबके साथ आता है। हम गुजरातीस कहीं जाए और गाठिया जलेबी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ब्रेक तो बनता है। तो फिर से चल पड़े हम अपने सफर पर और ये आ गई हमारी पहली मंजिल जूनागढ़। सीधा पहुंचे हम भाती आश्रम। भवनाथ तलेती में स्थित यह सुंदर आश्रम जूनागढ़ शहर के बस स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा गपशप लगा के आश्रम में सात्विक भोजन करके हम चल पड़े शक्करबाग जू की ओर। ये 84 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसको 1863 में बनाया गया था। हर साल यहाँ पे 11 लाख विजिटर्स आते हैं। गर्मी होने की वजह से जू के प्राणी भी सुस्त पाए गए, ज्यादातर या तो पानी में बैठे हुए या छांव में लेटे हुए थे। शक्करबाग में हमारी जू सफारी शुरू हुई। एक के बाद एक जगह जगह पे ड्राइवर ने बस को रोका और हम देखते चले गए। शेर, डियर और बहुत सारे एनिमल्स। फिर रुके इन जनाब के पास, भालू के पास। उसने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, जैसे मानो इतने कैमरा देखकर पोज दे रहा था। फिर सुनी शेर की दहाड़ और सोया हुआ चीता। और ये रहा वो पिंजरा जो 1936 में बनाया गया था बिग कैट्स की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो चलते हैं आगे, उसके पहले थोड़ा ठंडा हो जाए। नजारा है पूर्णिमा के उस चांद का, जिसकी चांदनी ने गिरनार को हजारों सितारों से सजा दिया है। अब चलते हैं गुजरात के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत गिरनार की ओर। हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स ने तो मन बना लिया था कि वो लोग सुबह सवेरे 5000 सीढ़ियां चढ़कर माँ अम्बा के दर्शन के लिए जाएंगे, और वो तो निकल पड़े। Look at this beautiful landscape from Girnar. Girnar में दो महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक माँ अम्बा का मंदिर और सबसे ऊपर दत्तात्रेय मंदिर, जो आता है 10,000 सीढ़ियां चढ़कर। बीच में और कहीं सारे तीर्थ स्थान आते हैं। आमतौर पर एक फिट इंसान को 3 से 4 घंटों के करीब लगते हैं माँ अम्बा के मंदिर तक पहुंचने में, तो ये लोग भी पहुंच गए। अब है बारी हमारी इस शिखर पर्वत गिरनार पे जाने की, तो चले। लेकिन गाठिया फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स।
एशिया के सबसे लंबे रोपवे के नजदीक खुश थे जब लंबी लाइन देखी विंडो से टिकट लेने वालों की, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन करवाई हुई थी। अरे भाई, लाइन तो यहाँ भी काफ़ी लंबी है, लेकिन हर मुसाफिर यहाँ मंजिल का इंतज़ार नहीं कर रहा, खुश होने के लिए कुछ सफ़र का मज़ा भी जी भर के ले रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद हमारी सवारी आगे बढ़ी और फिर सिक्योरिटी चेकिंग, टिकट स्कैनिंग से बढ़ते हुए पहुंचे वेटिंग कैफेटेरिया में, जहां से दिखने लगा ये खूबसूरत नजारा रोपवे का। दिल की धड़कनें तेज होने लगी क्योंकि पहली बार इतनी हाइट पे रस्सी के सहारे जाना था। माता की जय। ये हुई अपनी सवारी शुरू। पापा थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन हम सब तो मजे लूट रहे थे। ये रोपवे बनाने में 130 करोड़ रुपए खर्च हुए। लाइन लेंथ 2126 मीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था सितंबर 2018 में और ये लोगों के लिए ओपन किया गया 24 अक्टूबर 2020 को, जिसके 2 स्टेशन बनाए गए, एक ऊपर और एक नीचे। एक केबल कार में 8 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को मिलाकर। तकरीबन हर रोज 8,000 लोग इसकी सवारी करते हैं। बेस स्टेशन से अंबारी तक का सफर है सिर्फ 7 मिनट 43 सेकंड का। सिर्फ 700 रुपए में आना जाना दोनों हो जाता है। अरे पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जा रहे थे, वैसे नजारा और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। हालांकि पापा के चेहरे का रंग उतरता जा रहा था। जो हार्ट शेप की नदी, हमारा आधा सफर यहाँ खत्म हुआ और हम पहुंच गए माँ अंबा के टेंपल तक।
जहां से 30-40 सीढ़ियों से चढ़ते हुए और खूबसूरत वादियों का नजारा और रंग बिरंगी मार्केट का नजारा लेते हुए सीधे माँ के चरणों में। अब माँ के पास आकर गरबा ना गाए ये तो हो ही नहीं सकता। सुख दुख पाड़ो मन कभी कटे छे, सुख दुख पाड़ो अम्मा ना रखवाड़ा छे, मारे अम्मा ना रखवाड़ा छे, मारे अम्मा ना भूलगावा दे। Very good, boss. Yes, I did it. तो चले वापसी की ओर। आए बच्चे, आए बच्चे।